नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ वंशिका सिंह। बात कर लेते हैं ईरान और इसराइल की जंग के अपडेट को लेकर। ईरान और इसराइल के बीच तनाव बना हुआ है, दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात दिख रहे हैं। इस बीच भारत की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। ईरान का एक कदम भारत को परेशानी में डाल सकता है। दरअसल ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी दुनिया की नजर इन दोनों मुल्कों पर है, बड़े युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इसी वजह से भारत की चिंता बढ़ गई है। दरअसल ईरान इसराइल संघर्ष पर विश्लेषकों ने कहा है कि अगर ईरान ने होर्मुज़ जलडमरू मध्य को अवरुद्ध किया तो कच्चे तेल और एलएनजी की कीमतें बढ़ सकती हैं। इस जलडमरू मध्य से भारत जैसे देश सऊदी अरब, इराक और यूए से कच्चा तेल आयात करते हैं। ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष पिछले कुछ दिनों से बढ़ गया है। ईरान ने पहले इसराइल पर ड्रोन और रॉकेट हमले किए, इसके बाद इसराइल ने मिसाइल दागकर जवाबी कार्रवाई की। संघर्ष के बाद से कच्चे तेल की कीमतें 90 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक बात करें तो हालांकि तनाव कम करने के प्रयासों से संकट पर नियंत्रण होने की संभावना है, लेकिन अगर ईरान ने होर्मुज़ जलडमरू मध्य को अवरुद्ध किया तो तेल और एलएनजी की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। अब बात कर लेते हैं क्या है होर्मुज़ जलडमरू मध्य। होर्मुज़ जलडमरू मध्य का इंग्लिश में मतलब होता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़। ओमान और ईरान के बीच लगभग 40 किलोमीटर चौड़ी एक समुद्र पट्टी है। इस मार्ग के जरिए सऊदी अरब यानी 63 लाख बैरल प्रतिदिन, यूएई, कुवैत, कतर, इराक 33 लाख बैरल प्रतिदिन और ईरान 13 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का निर्यात करते हैं। वैश्विक एनर्जी व्यापार के लगभग 20% हिस्से इसके जरिए जाता है। इसमें कतर और यूए से लगभग सभी एलएनजी निर्यात शामिल हैं। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा है कि एलएनजी के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। भारत सऊदी अरब, इराक और यूए से तेल के साथ ही एलएनजी का आयात इसी मार्ग से करता है, इसीलिए भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस बड़े युद्ध से। अगर ईरान और इसराइल के बीच बड़ा युद्ध छिड़ गया तो भारत की मुश्किलें बहुत तेजी से बढ़ेंगी। फिलहाल के लिए ये ईरान इसराइल युद्ध को लेकर बड़ा अपडेट है। इस युद्ध में हम और भी आपको जानकारी देंगे और भी अंदर के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए एबीपी लाइव।